देखिए बेसिकली जो मुकदमा पहले ही क्योंकि घर से कुछ सामान गया था तो लूट और हत्या के जो धाराएं उनमें पंजीकृत हुआ था और उसी में इन लोगों ने कन्फेश किया है कि हाँ हमने इस तरीके से अपराध किया है। और आगे जो इसमें कार्रवाई होगी वो भी इन्हीं संगीन धाराओं में होगी। इनमें से जो एक अभियुक्त है वो पेशेवर अपराधी है, उसने पहले भी इसी क्षेत्र में इसी तरीके का एक हत्याकांड को अंजाम दिया था। उस केस में जमानत पर बाहर आया और जब ये जेल के दौरान उस अभियुक्त को हमने जेल भेजा था तो ये सहअभियुक्त भी उन्हीं दिनों एक दूसरे पनकन में जेल भेजा था। जेल में इन दोनों की जान पहचान हुई, वहीं इन दोनों की दोस्ती हुई। उसके बाद में जब ये जमानत पर बाहर आए तो इन लोगों ने इस तरीके के नृशंस हत्याकांड की इन्होंने प्लानिंग की और पूरी प्लानिंग के तहत इन्होंने उस अके घर औरत में जो घर में औरत थी उसको अकेला पाकर उसकी हत्या कर दी और घर में इन्होंने लूटपाट की।